गाइस, सबको मेरी राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। तो मैं जस्ट अभी अपनी थोड़ी ट्रिमिंग करके और नहा धोकर बाहर आया था, और मैंने नाश्ता नहाने से पहले ही कर लिया था आज, क्योंकि मैं आज थोड़ा रिलैक्स मूड में था और वो सब हो गया है। तो अभी फाइनली 2 बज चुके हैं और आज का व्लॉग होने वाला है बेहद एक्साइटिंग। तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बटन को हिट करो ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और जिन लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है वो भी मुझे फॉलो कर लो जल्दी से। अबे बंदरो सुधर जाओ, क्यों पेड़ों के इस्तेजी कर रहे हो? भागो नहीं यार, मुझे हैवान बनने में मजबूर मत करो। तो मम्मी अभी सिंक के अंदर जो है गरम गरम पानी डाल रही है ताकि जो गंदगी है अंदर और कीड़े वगैरह हैं वो सब सफाई हो जाए उनकी। हाँ तो गर्म पानी से तो हो जाएगा ना सारी सफाई। चम्मांड का पानी। सो गाइस, इट्स टाइम फॉर जिम। अभी जिम चलते हैं, थोड़ी मसल्स गेन करते हैं और थोड़ी बॉडी बनाते हैं। इट इज़ रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ टू स्टे फिट एंड हेल्दी। सो गाइस, ये तो मतलब मेरा डेली रूटीन में से एक है। तो पहले जिम जाऊँगा और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। लॉकडाउन की वजह से पूरे मार्केट बंद है। सो गाइस, मैं जस्ट अभी जिम से बाहर आया था और मैंने कुछ जिम में शूट नहीं किया क्योंकि मैं 2 दिन से जिम नहीं कर पा रहा था, यस्टरडे एंड द डे बिफोर टुमारो। तो फिर मैंने आज मिक्स ली थी, मुझे काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज करनी थी तो इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया आज। तो अब चलते हैं घर पे, काफ़ी थक गया हूँ, अभी सांस भी फूल रही है। मुझे एक बिस्किट दिए, मैं बाहर पिल्लों को डाल दूँगा। अच्छा चल सुमन, ले पकड़ तू, इससे सॉरी से डलवा दे, डाल दे। वो दूसरे वाला कहाँ है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डाल दिया, दूसरे वालों को डालेंगे, एक साथ डालेंगे दोनों को, दोनों एक साथ खाएंगे। छोटे लॉक लगा दो, कैफे का लॉक लगा दो। तुम डॉक्यूमेंट्स ले लिए अपने तूने? हाँ। अभी तुझे भी आता है क्या लॉक लगाना? देखे थे कैसा लगा रहा? ऐसे नहीं सीधा करके लगा, सीधी लगा लिया। तो गाइस, लॉकडाउन की वजह से भी पूरा मार्केट बंद है। ट्रैफिक तो चल रहा है लेकिन ओवरऑल जो शॉप्स वगैरह हैं सभी बंद हैं आज के दिन, क्योंकि सैटरडे संडे दोनों अभी लॉकडाउन ही रहने वाला है 2 दिन। तो बाहर तो घूमना भी इतना ठीक नहीं है और मौसम अभी काफ़ी ठीक है। सारी जो है धूप अब ख़त्म हो चुकी है और अभी हल्की हल्की हवा चल रही है। भाग रहा, भाग रहा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, सूर्य को पकड़ो 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 पकड़ो, जल्दी 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 पकड़ो पकड़ो पकड़ो। हाँ मैक आ जा, चलो चलो सूर्य मैक को लेकर चल, चलो। तो अभी जो है पापा के कुछ मित्र आए हुए हैं और यहाँ पे इनकी पिज्ज़ा पार्टी चल रही है और कुछ घनिष्ठ डिस्कशन चल रहा है इनका कुछ कार वगैरह के ऊपर। चलो इन्हें हम नाश्ता करने देते हैं और अपना काम जारी रखते हैं। मैक, तू भी खाएगा पिज्ज़ा? खा लेगा तू? है बे, तूने बिस्किट तो खा लिया? तेरे काम का नहीं यहाँ पे कुछ भी भाई। इसने पूछ पकड़ के उठा दिया था पिल्ला। अबे ऐसे उल्टे सीधे मत काम किया कर। हाँ चलो हाथ धोंगे पहले, हाथ धुलवा पहले। योग योग दिया इससे सही हो जाएंगे, इसमें सैनिटाइजर मिक्स है। सो हाय गाइस, तो मैं कुछ सोच रहा था कि काफ़ी दिनों से कुछ कमेंट्स आए थे जिनका मुझे आंसर देना चाहिए। तो मैं सबसे पहले एक कमेंट पढ़ रहा था कैलाश दीक्षित जी की, जो कि मेरे कलीग हैं और अभी फिनलैंड में है। तो उनकी एक कमेंट आई थी मेरी पहली वीडियो पे, भाई घर की तिजोरी दिखाना भूल गया, माल किधर है, बाकी सब ज़बरदस्त है और बाकी लैंट्रा है तो मोटा पैसा होगा अग्रवाल जी के पास। तो गुरुजी मैं आपको बता दूं बात एक कि आज के टाइम में कोई भी तिजोरी घर पे नहीं रखता है और आज के टाइम पे सब अपना पैसा बैंक में रखते हैं, तो तिजोरी बैंक के पास है। तो आप SBI से जाके बात करो, मिल जाएगी। और जो सेकंड कमेंट है वो नरेश कुमार जी की है, उन्होंने बोला है हाउ यू मेड दिस करोड़ प्रॉपर्टी। तो भाई मैं आपको बता दूँ,
कोई जादू टोना नहीं चल रहा या कोई टोटका नहीं हो रहा कि एक दिन में ही हमने घर भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली, इतनी प्रॉपर्टी बना ली। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूँ, जो हमारा नेटिव विलेज है वो लोई है और यहाँ पे पास में बुडाना के पास पड़ता है। और मेरे बाबा जी जो है 1975 में लोई से बड़ौत आए थे। और जब स्टार्टिंग में जो था यहाँ पे कुछ नहीं था, वो किराए के मकान में रहते थे और बाबा जी आए थे बस। तो फिर उन्होंने स्टार्टिंग में जो है यहाँ पे ठेली लगानी शुरू की थी मार्केट में, आइसक्रीम की ठेली जो होती है ना, कुल्फी मिल्क वाली, तो वो बेचते थे। और वो बस बस में चढ़ के, जैसे आपने देखा होगा टॉफीज़ वगैरह बेचते हैं कुछ लोग, ऐसे आइसक्रीम बेचा करते थे। तो ऐसे हमारी शुरुआत हुई थी। और फिर ऐसे मेहनत करते रहे, काफ़ी मेहनत की। मेरे पापा जी ने भी जो है साथ में हेल्प की, बस में जाते थे, लोगों को आइसक्रीम बेचते थे, ऐसे ऐसे मेहनत करी उन्होंने। तो फिर जैसे मेहनत करते गए, पैसे कमाए कुछ, उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी ली यहाँ पे, एक कन्फेक्शनरी की दुकान खोल ली कुछ टाइम में, और फिर कुछ और प्रॉपर्टी ली। तो ऐसे चलता रहा। फिर पापा जी की बारी आई, उन्होंने अपना जलवा दिखाया, उन्होंने बहुत मेहनत की अपने काम में। उन्होंने फिर स्टार्टिंग में एक डेयरी खोली थी, दूध की डेयरी, और वो फिर छोटे मोटे जो दूधिया होते थे उनसे दूध लेते थे और घरों पर सप्लाई करते थे। तो ऐसा कुछ काम करते थे स्टार्टिंग में, हम भी अपने डेयरी पर जाया करते थे शाम के टाइम पे। और फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर पापा ने थोड़ी लाइन चेंज करने की कोशिश की, पॉलिटिक्स में आने की कोशिश की, तो वापस से सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन कभी हार नहीं मानी, वही मेन चीज़ होती है कि जो बंदा हार नहीं मानता वही हमेशा कामयाब होता है। और फिर पापा ने थोड़ी लाइन चेंज की, फिर कॉन्ट्रैक्ट लेने लगे पापा नगर पालिका के, रोड्स वगैरह के, तो वहाँ पर उन्हें कामयाबी मिली। और आज देख लो हम कहाँ पे हैं। अभी हमने 2019 में जो है ये घर लिया था, और हमारी 2017 में हमने घर लिया था। क्या नोटबंदी के टाइम पे? हाँ, नोटबंदी से पहले ले लिया था। और हमारी जितनी भी जमा पूंजी थी वो सारी खर्च हो गई थी ये घर लेने में। और फिर अभी एक साल पहले हमने कार ली थी। तो गाइज ऐसा कुछ नहीं है, कुछ जादू वगैरह नहीं हो रहा कि एक दिन में सब कुछ हो गया, या फिर क्या नाम है, आपने एकदम कुछ जादू हुआ, कुछ टोटका हुआ और सारा पैसा आया और आपने लगा दिया। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप मेहनत करो, हार्ड वर्क करो और आपको लाइफ में सक्सेस जरूर मिलेगी, जैसे हमें मिली है। आई डू नॉट बिलोंग टू एनी रिच फैमिली बट अ हार्ड वर्किंग फैमिली। सो गाइज हार्ड वर्क करते रहो और एक दिन आपको जो चाहिए वो जरूर मिलेगा, चाहे वो कुछ भी हो। तो गाइज मैंने सोचा कि टू कमेंट्स आंसर्स आर एनफ फॉर टुडे। अगर मैं ज़्यादा बातें करूँगा तो आप लोग बोर होने लगोगे। तो हम छोटे छोटे क्वेश्चन एंड आंसर एक रूटीन रखेंगे ताकि आपको डेली लाइफ में मिलती रहे मेरी, और जो स्ट्रगल हुआ है हमारी लाइफ में मैं वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँ। तो आप भी अच्छे से अपडेट रहोगे और मुझे भी एंजॉयमेंट करने का मौका मिलेगा थोड़ा आप लोगों के साथ। तो गाइस सौरभ अभी हमारे लिए बना रहा है पिज़्ज़ा, और ये पिज़्ज़ा है कॉर्न पिज़्ज़ा। अच्छा सौरभ, हमारे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कमेंट सेक्शन में, मैं देख रहा था कि लोग बोल रहे थे कि मतलब क्या रेसिपी है, मेन रेसिपी क्या है, इतना टेस्टी पिज़्ज़ा कैसे बनता है। एक्चुअली पिज़्ज़ा की रेसिपी जो होती है वो सबकी सेम ही होती है। बाय द वे जो इसके हमारा हम बेस यूज़ करते हैं इसमें, वो हमारा वेल कुकड होता है और हमारे मसाले हैंडमेड है। okay. बाकी सब कुकिंग का डिफरेंस होता है। तो मतलब जो मेन डिफरेंस आता है कुकिंग स्टाइल का आता है कि अगर वो वेल कुकड है तो पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट सेम ही बनता है। और आपकी चीज़ की क्वालिटी कैसी है इस चीज़ पर डिपेंड करता है, आप घर पर ही बना सकते हो वही पिज़्ज़ा, सेम टेस्ट आएगा। और गाइज अभी इसे खाएंगे हम, टेस्ट करेंगे सब बैठ के एक साथ, तो देखते हैं कैसा होता है इसका पिज़्ज़ा। सो गाइज अभी चल रही है पिज़्ज़ा पार्टी, हम सब एक जगह बैठ चुके हैं और यहाँ पे दो पिज़्ज़ा है, एक मिक्स वेजी, एक कॉर्न पिज़्ज़ा, और कोल्ड ड्रिंक भी रेडी है। तो अभी हम करते हैं पिज़्ज़ा की टेस्टिंग। वैसे मैंने खा चुका हूँ, एक बार आपके लिए भी कर देते हैं। और पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी है, पहले ही बता दूँ मैं आपको, ज़बरदस्त टेस्ट है, जैसा होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट और चीज़ी। मम्मी कैसा है? सोया कैसा लगा पिज़्ज़ा? कैसा लगा पिज़्ज़ा? अरे खा रहा। चलो भाई ठीक है, तो भाई थोड़ी देर में मिलते हैं, अभी हम आराम से पिज़्ज़ा खाते हैं। देख सो रहे थे क्या आए, देख क्या आए थे, ये लुल्लू। अरे देख ये लुल्लू, देखो लुल्लू। चौन पास खा रहा, सो रही है तो खा लिया भाई, मेरे से पहले खा लिया तुमने चौनप्रास? नहीं यहाँ कर रहा हूँ।
पोटी मास्टर बाहर आ जाओ, जल्दी बाहर आ जाओ पोटी मास्टर। हाँ भाई क्या कर रहा है, क्या आफत मचा रखी तुमने यहाँ पे, पेटी वगैरह सब पाट दी, चैंपरास खा के ज्यादा जोश आ गया तेरे में, शक्ति आ गई क्या तेरे में, चुस्ती और फुर्ती कुछ ज्यादा ही आ गई, डिब्बे उड़ा दिया चैंपरास का। तो गाइस आज बहुत बड़ा सहयोग बना है, हम तीनों एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। मम्मी अचार के लिए पूछी थी, नहीं मुझे अचार नहीं चाहिए कुछ भी, नहीं दही भी नहीं चाहिए। गाइस आई ट्राई टू मच हार्ड टू कीप माय व्लॉग शॉर्टर, बट क्या करें, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ छोटे नहीं होते, लाइफ में होता है इतना कुछ है जो मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मुझे छोटे करने चाहिए या लंबे करने चाहिए या फिर जितने हैं उतने रखने चाहिए। और गाइस अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा आज का तो लाइक कर दो जल्दी से, और शेयर कर दो मेरी वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ जिन्हें आप चाहते हैं कि वो भी देखें, और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को जल्दी से फटाफट। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।